मैं डॉक्टर महेंद्र बब्बर चिकित्सा अधिकारी भूमि विज्ञान के पद पर यहाँ जवाहर चिकित्सालय में कार्यरत तथा के बीच में पिछले साल दो बार मेरे किसी मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी नामक बीमारी के कारण अचानक होश हुआ। मुझे यहाँ से रेफर किया गया। उस दौरान मैं गोयल हॉस्पिटल से इलाज लिया। ये दो बार हुआ। उसके मेडिकल समस्त डॉक्यूमेंट मैंने इसके या जमा करा दिया ऑफिस में। फिर भी अभी तक 8% लगभग 4 महीनों की सैलरी अटकी हुई है। इससे संबंधित बार बार मेरे को नोटिस निकाला गया, मैंने जवाब दिया। वो तो 51 दिन लगभग आज 50-51 दिन होने वाले हैं, लेकिन मेरी सैलरी का पता किया तो कहा नहीं बन रही है, छुट्टियां सेंक्शन नहीं हुई है, इन्होंने आके अभी रोक रखा है। नहीं तो आगे जयपुर भेजा फाइल को, नहीं अपने स्तर पर कुछ प्रकार की कार्रवाई की। इससे क्या है कि ऑलरेडी मैं जब मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी मानसिक रोग की दवाई ले रहा हूँ और परेशान हूँ। अभी मेरी कजन सिस्टर के 4-5 दिन बाद शादी है, मैं छुट्टी की एप्लीकेशन दे के आया हूँ कल। तो इन्होंने मेरे को ये मतलब पता किया ऑफिस में कि सैलरी का सैलरी में जरूरत है, आज सैलरी आपकी नहीं आएगी। ठीक है, मैंने ऑफिस में कार्यालय में कर्मचारी से संपर्क किया तो कहा कि साहब सेंक्शन नहीं कर रहे छुट्टियाँ। इससे क्या है, मैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो मेरे क्या है हाइपरटेंशन और इसकी दिक्कत रहती है। मेरी वाइफ खुद बीमार है, ईगल सिंड्रोम से ग्रसित है। मुझे कई बार कोर्ट पे जाना पड़ता है कोर्ट एविडेंस में। पीछे 2023 में किसी भी प्रकार का मेरी कोर्ट जाने की स्थिति में, छुट्टी की स्थिति में कौन कार्य देखे, इस प्रकार का कोई आदेश इनके द्वारा नहीं निकाला गया। और उन्हें ही मुझे किसी प्रकार का एक दिन का भी TATA दिया गया। मैं स्वयं के खर्चे से जा रहा हूँ। अभी आर्थिक स्थिति ऐसा है अक्सर कि मैं खुद ट्रीटमेंट लेता हूँ और ये कई बार यहाँ खर्चे हो जाते हैं, मेरे को TATA कोर्ट में जाना पड़ता है और काफ़ी मानसिक समस्या तो होती है। मैं ऐसे ट्रीटमेंट अभी ऐसा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ कि कई बार मुझे डिप्रेशन में डिप्रेशन ऐसी टेंशन होने से हाइपरटेंशन बीपी की समस्या होती है, कई बार मुझे सुसाइड करने की मन में आने लगी। उन्होंने इस प्रकार कुछ उन्होंने नोटिस निकाला, मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने न तो छुट्टी सेंक्शन की, न कोई सैलरी बढ़ाई, न कोई ऐसा कुछ मेरे को कहा। आज की बात है, आज मुझे तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने मेरे किसी यहाँ कोई मेरा रिश्तेदार तो कोई रहता नहीं, परिवार का सदस्य तो मेरा कोई सहयोगी है, उसको मैंने कहा कि भाई हॉस्पिटल खुलते ही जाके PM साहब को कहना कि एक दिन तो मुझे रेस्ट करूंगा टेबलेट लेके। फिर भी दोपहर फोन आया कि मैं ऐसे कर दूंगा और फिर नोटिस निकाल के दे रहा हूँ कल। ये कहा गया फोन पर, ये हो सकता है उनका किसी प्रकार का कोई पर्सनल इंटेंशन हो मेरे प्रति। ऐसी परिस्थितियों में कैसे नौकरी की जा सकती है? छुट्टी हो सकता है कि एक डॉक्टर हो पूरे जिले में, इसका मतलब यह नहीं है कि 24 घंटे में ही सब कुछ करूँ। कभी कभी तो मुझे छुट्टी कर लेनी पड़ती है। पर तो मैं कभी MNC रिपोर्ट के लिए, किसी काम के MNC वर्क के लिए जो मेरी ड्यूटी है उसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया किसी। मैं रूटीनली करता हूँ। मैं अगर अलग से नियुक्त किया जाता तो आज मेरे पास ये फोन आया था कि भाई आप बीमार हो, मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। जब इन्फॉर्म करके मैं ब्रेस्ट कर टेबलेट लेके सोया था, फिर भी मेरे को ऐसे लेजे बात की और पूरी बात ही नहीं सुनी, उसके लिए फोन काट दिया। हो सकता है मेरा नोटिस भी निकल जाएगा।